आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का सिवनी जिला शिव की नगरी कहलाता है। पुण्य सलिला बैन गंगा उद्गमित भी सिवनी से हुई हैं। सिवनी से नागपुर की तरफ अगर आप जाते हैं तो मुंडारा से वैनगंगा नदी उद्गमित हुई है, और छोटी सी जगह से उद्गमित होने के बाद कितना विशाल रूप वैनगंगा के द्वारा अख्तियार किया जाता है, ये छपारा का हम आपको दिखा रहे हैं नज़ारा। छपारा का पुल भी आपको दिख रहा होगा। छपारा में कितना विशाल स्वरूप वैनगंगा नदी का हो जाता है। पुण्य सलिला माता का दर्जा इसे दिया गया है। माँ वैनगंगा जिसे पुण्य सलिला भी कहा जाता है, बारिश के दिनों में पानी से सराबोर नजर आ रही हैं। कितना जबरदस्त पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कितना चौड़ा पार्ट यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक तरफ छपारा, इस तरफ आपको छपारा दिख रहा है, और उस तरफ जो नदी के दूसरी तरफ का सिरा जैसे छोटा छपारा भी कहा जाता है वो आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। पुण्य सलिला माता बैनगंगा का ये हम आपको भीमगढ़ बांध, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, और भीमगढ़ बांध में प्रवेश करने के ठीक पहले का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। विपुल जल राशि भीमगढ़ बांध में है। पानी बहुत ज़बरदस्त होता है और यही पानी वहाँ पहुँचता है जो भीमगढ़ बांध के पेट में समा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं पानी हल्का सा मटमैला दिख रहा होगा। ये मटमैला पानी दरअसल रास्ते भर जो लाल मिट्टी क्षेत्र से होकर आता है, इसलिए यहाँ पर ये लाल दिख रहा है, मटमैला सा दिख रहा है। मुरम के क्षेत्र से होकर गुजरता है। कितना विशाल और कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है पुण्य सलिला माता बैनगंगा का। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। छपारा अगर आप इस नज़ारे को देखना चाहते हैं छपारा में, तो सिवनी से जबलपुर जाते समय ये आपको नज़ारा दिखाई देता है। और लहरें भी आप देख सकते हैं किस कदर उठती हुई दिखाई दे रही हूँ। लगातार बारिश के बाद जलस्तर जैसे ही बढ़ता है तो भीमगढ़ बांध के द्वार खोल दिए जाते हैं, गेट खोल दिए जाता है। भीमगढ़ से ये पानी बालाघाट होते हुए आगे बढ़ता है। किसानों के लिए भीमगढ़ बांध किसी राहत से कम नहीं है। ये आपको जाल भी दिख रहा होगा, मछली मत्स्यकेट प्रतिबंधित है पर यहाँ आपको जाल दिख रहा होगा, और नाव में मछुआरे भी आपको जाते हुए यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। छपारा के करीब का ये नज़ारा, पुण्य सलिला बैनगंगा पूरी तरह पानी से लबालब ही दिखाई दे रहे हैं। सिवनी में जिस तरह की जबरदस्त बारिश हुई है, उस बारिश के बाद बैनगंगा नदी में जल स्तर काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ ही नज़र आ रहा है। सिवनी का ये नज़ारा और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़ बांध, जिसे संजय सरोवर परियोजना का हिस्सा भी कहा जाता है, इस भीमगढ़ बांध में विपुल जल राशि है। और यहाँ भीमगढ़ बांध को एक बहुत अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा इसे केंद्र पोषित योजना या प्रदेश पोषित योजना के द्वारा किया जा सकता है। छपारा को अगर यहाँ विकसित करना है तो सिवनी के चारों विधायक और दोनों सांसदों को इसके लिए पहल करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स भी आरंभ कराए जा सकते हैं। छपारा के करीब भीमगढ़ में इंस्पेक्शन बैंगलो है, वहाँ एक सिंचाई विभाग का, उस इंस्पेक्शन बैंगलो को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया जा सकता है ताकि पर्यटक वहाँ आकर्षित हो सकें। विडंबना ही कही जाएगी कि सिवनी के जितने भी जनप्रतिनिधि अभी तक हुए हैं उनमें से कुछ जनप्रतिनिधियों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के द्वारा सिवनी के विकास में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ली गई है। सिवनी को जो कुछ भी अब तक मिला है वो सुश्री विमला वर्मा की देन ही माना जा सकता है। उसके बाद मानो सिवनी में विकास का कलश या विकास
थमसा गया हो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट छपारा के इस बैनगंगा तट से। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।